और कईयों को लगता है कि ये एक सच ढूंढने का तरीका है जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनमें से काफ़ी इंटरव्यूज को बिल्कुल पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि ये राइट ऑफ प्रिवेसी के अगेंस्ट है उनको लगता है कि वो इंटरव्यूज के विक्टिम्स हैं और उन्हें लगता है कि इंटरव्यूज उन्हें डिमिनिश कर देती हैं जैसे कि कई प्रिमिटिव कल्चर्स में लोग बिलीव करते थे कि अगर कोई किसी का फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ले तो वो उस इंसान की सोल यानी आत्मा को छीन रहा होता है वी एस नाइपुल मानते थे कि इंटरव्यू से लोगों को चोटें लगती हैं क्योंकि वो इंटरव्यूज में अपने आप का एक हिस्सा खो देते हैं एलिस इन द वंडरलैंड के क्रिएटर लुइस कैरल को इंटरव्यू से डर लगता था ही हैड हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर क्योंकि उन्हें लगता था कि इंटरव्यूज के जरिए से उन्हें लायन नाइस कर दिया जाएगा यानी उन्हें एक सेलिब्रिटी के जैसे अटेंशन मिलेगी उनकी इंटरव्यूज को रिफ्यूज़ करने की आदत की वजह से वो अपने वुड बी ए इंटरव्यूअर्स एंड द परसिस्टेंट पेटिशनर्स फॉर इज ऑटोग्राफ यानी उनके सबसे बड़े फैंस उनको वो रिपेल यानी भगा पाते थे और बाद में वो काफ़ी अम्यूजमेंट और सेटिस्फैक्शन के साथ इस चीज़ के बारे में स्टोरी सुनाते थे रूडियार्ड किपलिंग में इंटरव्यूज की हेठ भरी हुई थी उनकी वाइफ कैरोलिन ने अपनी डायरी में लिखा है कि रूडियार्ड किपलिंग इसलिए इंटरव्यूज देने से मना कर देते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वो इमोरल होती हैं एक क्राइम होती हैं और इंटरव्यूज एक असॉल्ट हैं जो पनिशमेंट डिजर्व करती हैं ऑल दो किपलिंग ने इस स्टेटमेंट को देने से कुछ साल पहले ही मार्क ट्वेन को खुद इंटरव्यू किया था च वेल्स ने भी इंटरव्यू के ऊपर कुछ बोला था लेकिन वो खुद काफी इंटरव्यूज देते थे इंटरव्यू में ही 1894 में उन्होंने इंटरव्यूइंग ऑडियल की बात करी थी और 40 साल बाद उन्होंने खुद जोसेफ स्टालिन को इंटरव्यू करा अकॉर्डिंग टू सॉल बेलो इंटरव्यूज वर थम प्रिंट्स ऑन इज विंड पाइप उनको लगता था कि इंटरव्यूज इंसान के ऊपर इतना प्रेशर प्लेस कर देती हैं कि वो उसके अंदर दब जाता है लेकिन चाहे इंटरव्यूज के कितने भी डिसएडवांटेजेस हों इट इज स्टिल अ ग्रेटली सर्विसेबल, यानी यूजफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू डेनिस ब्रायन आजकल की दुनिया में हमारे इंप्रेशन अबाउट पीपल सिर्फ इंटरव्यूज के थ्रू ही बनते हैं ही राइट सनायकोट ऑलमोस्ट एवरी थिंग ऑफ मोमेंट रीचेज अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चन ऑफ एन अदर बिकॉज ऑफ दिस द इंटरव्यूअर होल्ड्स अ पोजिशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस इन शब्द के थ्रू वो हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज़ हमें क्वेश्चन पूछने पर ही पता चलती है और इसकी वजह से इंटरव्यूअर की पावर हमारे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा है प्रैक्टिस के लिए आप इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द रेस्ट ऑफ क्लास ट्वेल्व इंग्लिश एनिमेटेड वीडियोस बाय ग्रैंड अकेड फॉलो आर इंस्टाग्राम जॉइन आर टेलीग्राम लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन एंड टिल नेक्स्ट टाइम कीप विनिंग यू चैंपियंस